कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की वारदात के बाद अचानक जांच के रडार पर आए इसी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता ही जा रहा है। संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब सीबीआई के विशेष टीम ने संदीप घोष के घर समेत कुल 14 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान डॉक्टर संदीप घोष के परिसरों की गहन छानबीन और तलाशी ली गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई की टीम कोलकाता स्थित उनके आवास पर सुबह करीब 6:45 पर ही पहुंच गई थी। हालांकि उन्होंने करीब 1.25 घंटे तक दरवाजा ही नहीं खोला और सीबीआई की टीम बाहर ही उनका इंतजार करती रही। इसके बाद उन्होंने सुबह 8:06 के आसपास घर का दरवाजा खोला तो सीबीआई के अधिकारी घर के अंदर गए। संजय घोष के अलावा सीबीआई ने मेडिकल सप्लायर बिप्लव सिन्हा, केस्टपुर में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर देवाशीष सोम और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व एमएसवीपी संजय बिष्ट से भी पूछताछ की है। सीबीआई की इस रेड को केंद्रीय बल के जवानों की सुरक्षा में अंजाम दिया गया ताकि किसी तरह की अराजकता या सीबीआई के अधिकारियों को किसी तरह के विरोध का सामना न करना पड़े। संदीप घोष पर आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर कैफेटेरिया के लिए स्पेस अलॉटमेंट को गलत तरीके से अलॉट करने का आरोप है। आरोप है कि इससे जुड़ी अनियमितताएं बरती गईं और भ्रष्टाचार हुआ। आरोपों के मुताबिक हॉस्पिटल में जो बायोमेडिकल वेस्ट इकट्ठा होता है उसकी मात्रा बहुत कम दिखाई जाती थी। वहीं जिस कंपनी को बायोमेडिकल वेस्ट उठाने का टेंडर दिया जाता था उसके साथ मिलीभगत कर पैसों के गबन का भी आरोप है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर यह आरोप भी है कि उसने मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब बनाने के लिए एक कंपनी को बेहद उच्च दामों पर ठेका मंजूर किया था, जबकि उस रकम से आधी से भी कम कीमत में कई दूसरे कॉलेजों में उसी तरह की लैब तैयार की गई थी। संदीप घोष पर मेडिसिन टेंडरिंग में भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीबीआई के कसते शिकंजे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। कोलकाता पुलिस ने इससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अनियमितताओं की जांच कर रही थी, जिसे अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत इसी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।